Bismillahirrahmanirrahim Assalamu Alaikum I am Colonel Hamid Naqvi and we continue our discussion on rehabilitation of disabled persons Today we'll discuss educational rehabilitation If you remember in the last video we explained the terms rehabilitation and disability Just to recap we define rehabilitation as the process of helping a disabled person to reach to the fullest physical, psychological, social, vocational, and educational potentials consistent with his impairment, limitations, and life plans. And we also discussed the term disability, which according to World Health Organization, it is any restriction or lack resulting from impairment of ability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being. In other words, if anyone significantly de deviates in any developmental area as compared to another average person of his age, he is termed as special or disabled person. He may be physically handicapped, mentally challenged, hearing or visually impaired. Then we in the previous video we moved over to phases of rehabilitation and in which we mentioned medical rehabilitation, educational rehabilitation, vocational rehabilitation, economic rehabilitation, and social rehabilitation in medical rehabilitation we talked about early detection diagnosis medication and treatment and then provision of sport services today we'll discuss educational rehabilitation or school placement of a disabled or special child once the special child reaches the age of schooling the important question is where to admit him since ever since long a controversy is brewing and the controversy is whether we should put him in the regular stream of uh, schools that is general education or we should uh, send him to segregated स्पेशल इंस्टीट्यूशन मेन फॉर दीज चिल्ड्रन देर दिस आर्गूमेंट फॉर और अगेंस्ट सेग्रीगेशन और इंटीग्रेशन इज गोइंग ऑन सिंस लॉन्ग बुनियादी तौर पर इशू यह है कि क्या हमने बच्चे को किसी स्पेशल अदारे में भेजना है या उसको आम स्कूलों में भेजना है यह है पहला इशू और ये इशूज पैदा होता है जब हम जो है ना वो बच्चा स्कूलिंग की एज में आ चुका होता है और हम एज्यूम करते हैं कि वो बच्चा जो है वो अपने जो है मेडिकल रिहेबलीटेशन उसकी हो चुकी है यानी क्या उसकी डिसेबिलिटी है उसकी जो है ना डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी क्या है उसके जो है ना कोई ट्रीटमेंट हो सकता है या नहीं है या उसको स्पोर्ट सर्विस प्रोवाइड हो सकती है अगर हो सकती है तो हो चुकी हो होनी हो, 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 हो चाहिए तब वो आइडियली वो स्कूल के लिए वो जो है ना वो मुनासिब कैंडिडेट है शुरू से जो है जो है ना ये जब हमने स्पेशल स्कूल बनाए तो स्पेशल स्कूल बनाने का मकसद ये था कि इन स्पेशल बच्चों की कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं इंस्टेंस हीरिंग एम्पेयर्ड बच्चा सुन नहीं सकता विजुअल इम्पेयर्ड बच्चा देख नहीं सकता मेंटली चैलेंज बच्चा उसका जो है आईक्यू लेवल कम होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोसेस स्लो होता है और फिजिकली हैंडी जो है ना वो ही कैन नॉट मूव अराउंड सो इनकी कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं इस हवाले से हम ये समझते हैं कि इनको इस स्पेशली डिज़ाइंड जो है वो इंस्ट्रक्शन एक स्पेशल मैथडोलोजी और टेक्निक के साथ इनको वो पढ़ाई जानी चाहिए जिससे इनके लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आसान हो जाता है तो ये तो लॉजिक है कि इनके अलग-अलग स्कूल होने चाहिए जिसकी वजह से स्कूल बनने शुरू हो गए अब जो इसके खिलाफ आर्गूमेंट है या इसके जो है ना जो सेग्रीगेशन का उल्ट है इंटग्रेशन लैंड इनको इंटग्रेट किया जाए सोसाइटी के उसके हक में आर्गूमेंट वो ये है कि इन बच्चों को इनने अब अल्टीमेटली सोसाइटी में जाना होता है और सोसाइटी में जाके मर्ज होना होता है वहीं वह जाकर उन्हें ज़िंदगी बितानी होती है अपनी तमाम जो है निकनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज वहीं पे करनी होती हैं तो इनको हम ज़्यादा अरसे तक एक जजीरा नुमा जगह के ऊपर नहीं रख सकते इनको अल्टीमेटली चूंकि वही मिक्स होना है सो इनको जितनी जल्दी हो सके इनको सोसाइटी के साथ एक, इनको जो है ना इंटीग्रेट करना चाहिए इनको मिला देना चाहिए सो उनका आर्गूमेंट ये है कि द बेटर, तो इनको स्कूल लेवल के ऊपर ही इन, इनकी इंटेग्रेशन हो जानी चाहिए तो ये आर्ग्यूमेंट जो है ना अरसा दराज से चला आ रहा है और ये अब चूँकि अरसादराज से आर्गूमेंट चला आ रहा है कि इंटिग्रेशन होनी चाहिए इन बच्चों को जो है ना स्पेशल डिसबल बच्चों को भी आम बच्चों के साथ जो है ना वो इनकी तलीम तरबियत होनी चाहिए तो मुख्तलिफ़ किस्म की हम फॉर्म्स ऑफ इंटग्रेशन अपने इर्द गिर्द देखते हैं जो सामने आ रही हैं तो आपको नज़र आएगा तीन किस्म की मेन शक्लों में, में आपको इंटग्रेशन नज़र आएगी एक फिज़िकल इंटग्रेशन दूसरी सोशल तीसरी फंक्शनल तो इनका फर्क वाज़ कर देना जरूरी है फिजिकल इंटीग्रेशन का मतलब यह है कि आपने जो स्पेशल बच्चों का आदारा है उसको जो नॉर्मल बच्चों के अदारे है इसके अंदर या इसके बिल्कुल बराबर में साथ जो है ना इसको हम बना होना चाहिए और ताकि साममल्टेसली ये बच्चे दूसरे बच्चों को जो है ना वो जिस तरह वो तालीम तरबियत हासिल कर रहे हैं उनको भी देखते रहें और वो इनको देखते देखते रहें और उनकी फिज़िकल उनकी आपस में जो है ना वो अदारे कीबत होनी चाहिए ये एक शक्ल है दूसरी शक्ल ये है सोशल इंटग्रेशन कि इन बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करने का इंटग्रेट करने का मौका मिलना चाहिए और तीसरी है कि फंक्शनल इंटीग्रेशन इसका मतलब यह है कि तालीम समेत तमाम एक्टिविटीज़ में इनको इकट्ठा पार्टिसिपेट करना चाहिए क्लासरूम में भी और स्कूल में भी एक मैं इस सिलसिले में एक जो है ना मिसाल दूंगा हमारे इधर पाकिस्तान एयरफोर्स का चकलाला में जो अदारों का कॉम्प्लेक्स है इंस्टीट्यूशंस का उसमें एक टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है जो ही आप बेस के अंदर एंटर होते हैं उसकी बिल्कुल साथ दीवार से दीवार मिली है बल्कि आप, आप कह सकते हैं कि वो एक उसी कॉम्प्लेक्स में है स्पेशल बच्चों का एक अदारा है गो के दोनों के जो है ना गेट्स मुख्तलफ तरफ से ओपन होती हैं लेकिन उनके दरमियान में जो एक छोटी सी उन्होंने पार्टीशन वॉल बनाई है उसके अंदर भी एक दरवाज़ा है जो वो बवक्त ज़रूरत खोल देते हैं सो so, एक तो फिर उस वहाँ पर फिज़िकल इंटरग्रेशन का मुजाहरा दे सकते हैं दूसरा सोशल इंटरग्रेशन वो यूँ करते हैं कि वो बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो आइडिया है दीगर भी जो है ना जो अदारे ऐसे कर सकते हैं उनको करना चाहिए कि उन्होंने दरमियान वाला दरवाज़ा ख़ास तौर पर रिसर्च के दौरान में वो खोल के जो स्पेशल जो नॉर्मल बच्चों का अदारा है जिसमें मोटसरी जो है जूनियर मोटसरी सीनियर मोटसरी में मोटसरी की क्लासेस चल रही हैं और वहाँ पे टीचर ट्रेनिंग होती है वो उन्होंने सेक्शन को उन्होंने शेड्यूल किया हुआ है कि आज फलाना सेक्शन जो है ना वो आ, स्पेशल आ, में दरवाज़ा खुल जाएगा पार्टीशन वाला और वहाँ जाके वो वहाँ जाके उनके साथ वो रिसेस का पीरियड जो है ना वो जो ब्रेक का पीरियड है वो गुजारेंगे वो अपने लंच बॉक्स भी वहाँ ले जाते हैं और वहाँ उनके साथ झूले स्लाइडें अ, अंडर सुपरविजन ऑफ देयर क्लास टीचर वहाँ पर करते हैं जिससे एक तो उनकी सोशल इंटरेक्शन होती है एक दूसरे के साथ अवेयरनेस वो जो दूरियां हैं या एक दूसरे का जो है अनजाने का खौफ या परेशानी या एंग्जाइटी होती है वो दूर हो जाती है सो तो यहाँ पे ये भी देखा जा सकता है फिर सोशल इंटीग्रेशन की उनके एक और मिसाल यह कि वो तमाम जो उनके फंक्शन होते हैं सब पेरेंट्स डे होता है उनकी गेम्स होती हैं वो उनके उनके उनको भी वो इकट्ठा स्पेशल बच्चे और दूसरे नॉर्मल बच्चे एक ही ग्राउंड में इकट्ठे हो जाते हैं और उनके जो है ना वो वो वहाँ पर गेम्स और फन फेयर या कोई मेला वेला हुआ जो भी फंक्शन होते हैं वो इकट्ठे करते हैं और एक दूसरे के साथ वो इंटीग्रेशन के